फ्री फायर में बहुत सारे मैप्स हैं, लेकिन क्या आपको पता है उनमें से कौन सा मैप सबसे बेस्ट है? नहीं। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना, अगर नहीं पता तो टेंशन क्यों, हम है ना। तो गाइस, हम आ गए आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हिच इज द बेस्ट मैप इन फ्री फायर। तो वीडियो शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। गरीना फ्री फायर में बहुत सारे मोड्स हैं और ये वो बैटल रॉयल गेम है जिसमें सबका दिल जीत लिया। फ्री फायर में टोटल 5 मैप्स है जिसमें मैचेस होते रहते हैं और इन सभी मैप्स में कोई ना कोई खासियत है, इसीलिए बहुत सारे मैप्स होने के बावजूद सही मैप्स कौन सा है वो चुनना थोड़ा मुश्किल है। चलिए देखते हैं उनमें से बेस्ट मैप कौन सा है। लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना और कमेंट करके वीडियो को और मेरे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैप नंबर 1 बारमूडा। इसमें टोटल 20 लोकेशन है और गेम के सबसे पुराने भी और सबसे ज्यादा यूज करने वाला मैप्स है ये। ये मैप टावर्स, बिल्डिंग और हाउसेस से भरा हुआ है। इसके अलावा भी बारमूडा में अलग अलग लोकेशन, पेड़ और बहुत सारे नेचुरल कवर्स भी है। इसीलिए प्लेयर्स बारमूडा को सबसे सुइटेबल मैप मान सकते हैं, चाहे वो स्नाइपर, एक्सल राइफल या SMG कोई भी गन यूज करता है। मैप नंबर 2 पर्गतरी। इसमें टोटल 14 लोकेशन है। पर्गतरी दूसरा मैप है जिसे डेवलपर्स ने बारमूडा के साथ ही गेम में लाया था। इसके लोकेशन के मुताबिक इसमें बारमूडा की तरह इतने बिल्डिंग या टावर नहीं है। हालांकि जो लोग क्लोज रेंज या मिड रेंज फाइट करना पसंद करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा मैप है पर्गतरी। मैप नंबर 3 कलहाड़ी। गरीना ने पहली बार 1 जनवरी 2020 में कलहाड़ी मैप को गेम में लाया था, जिसने प्लेयर्स के मन में थोड़ा इंटरेस्ट जगाई। इसमें पहले दो मैप्स की तरह ही उतना पेड़ पौधा घास फूस नहीं है, इसीलिए ये बाकी दोनों से अलग है। लेकिन इसमें बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं जो स्नाइपर और कैंपर्स के लिए अच्छा है। क्या बोला तूने? मैप नंबर 4 बारमूडा रिमास्टर्ड। टोटल 18 लोकेशन के साथ ये मैप 2021 को गेम में आया था और ये हमारा सबसे पुराना बारमूडा मैप का एक नया वर्जन। डेवलपर्स ने कुछ लोकेशन को हटाकर और कुछ बिल्डिंग्स को एडजस्ट करके इसको बनाया। अच्छा, हमको सिखा दिया है। हालांकि नॉर्मल बारमूडा और बारमूडा रिमास्टर्ड में लोकेशन नंबर के अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है और दोनों में सेम फाइटिंग एक्सपीरियंस ही होता है। मैप नंबर 5 एल्पाइन। 31 दिसंबर 2021 को ये मैप 16 लोकेशन के साथ गेम में आया। हालांकि इसमें लोकेशन और बिल्डिंग्स के मामले में बारमूडा के कुछ सिमिलरिटीज है। हालांकि एल्पाइन और बारमूडा दोनों में लोकेशन और बिल्डिंग्स की सिमिलरिटीज के कारण दोनों में एक्सपीरियंस ही सेम है। लोकेशन की कंपैरिजन करने पर ये तय होता है कि एल्पाइन, बारमूडा और बारमूडा रिमास्टर्ड इन तीनों में लगभग एक ही सिमिलरिटीज के कारण इनमें एक्सपीरियंस भी सेम है। इन तीनों मैप में बारमूडा की लोकेशन सबसे ज्यादा होने के कारण बारमूडा मैप्स को फ्री फायर में सबसे अच्छा ऐप माना जाता है। हालांकि प्लेयर्स को यह ध्यान देना चाहिए कि गेमर्स द्वारा चुने गए मैप्स उनके पर्सनल चॉइसेस में डिपेंड करते हैं। सही बात है। तो भाई लोग, हमारा आज का वीडियो होता है समाप्त। आप लोग कमेंट में बताना इनमें से कौन सा मैप आप खेलना पसंद करते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।